अस्सलामुअलैकुम। अब इस वीडियो में हम लिमिट पॉइंट्स के ऊपर काम करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने एक एग्जांपल देखी लिमिट पॉइंट्स चेक करने के लिए किसी भी सेट के लिमिट पॉइंट्स एक मैट्रिक्स स्पेस में। इसी तरह से इस एक वीडियो में भी मैं आपको एक सेट के लिमिट्स पॉइंट चेक करना बताऊंगी। और हमारी अगेन पिछली वीडियो में भी जो मैंने मैट्रिक्स स्पेस सेलेक्ट की थी वो हमारी यूजुअल मैट्रिक ओनार ही थी, यहाँ पे भी हमारी यूजुअल मैट्रिक ओनार ही है। तो हम यूजुअल मैट्रिक ओनार में पहले हमने एक डिफरेंट सेट लिया था, अब हम इंटरवल्स लेंगे। इंटरवल्स को लेके चेक करेंगे कि अगर हमारे सेट इंटरवल्स की फॉर्म के होते हैं तो फिर उनके लिमिट पॉइंट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। ये देखिए हमारे पास ए एक सेट है जो कि इंटरवल की फॉर्म में है और ये हमने सेलेक्ट किया है रियल लाइन में से। और अब हम इसके लिमिट पॉइंट्स चेक करते हैं। ठीक है, अब ये जो काम है ये इसको ज़रा गौर से देख लें। ये ओपन इंटरवल मैंने बनाया है, यहाँ पे ओपन इंटरवल दिया है। ओपन इंटरवल के ऊपर जिस तरह से मैं काम करूँगी वही काम आपका क्लोज इंटरवल पर होगा, इसी तरह से वैसे ही ओपन क्लोज इंटरवल आ जाए या क्लोज ओपन इंटरवल आ जाए। जो काम यहाँ पे कर रही हूँ सेम वही काम जो है वो हर तरह के इंटरवल पे एप्लीकेबल होगा। तो इसको अच्छी तरह से समझ लें। सबसे पहले तो ये है कि हम नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है जी, ये हमारा ए सेट है 0 से 1 पे। अब इसमें एक चीज़ और से, ये ओपन इंटरवल है ना, इसमें 0 इंक्लूडेड है ना इसमें 1 इंक्लूडेड है। 0 और 1 इंक्लूडेड नहीं है इसमें, ये बात ध्यान में रखें। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसके लिमिट पॉइंट्स चेक करने हैं। लिमिट पॉइंट्स दो तरह के होंगे, एक वो पॉइंट्स जो इसके अंदर हैं उनको एज ए लिमिट पॉइंट चेक किया जा सकता है, और वो पॉइंट्स जो इसके बाहर हैं उनको भी लिमिट पॉइंट्स के तौर पर चेक किया जा सकता है। लेकिन पहले हम उन पॉइंट्स को चेक करते हैं जो इसके अंदर हैं, उन पॉइंट्स को एज ए लिमिट पॉइंट चेक करते हैं। अब इसमें से आप क्या करेंगे, इसमें से ऑर्बिट्री एक एलिमेंट उठाएंगे, सेलेक्ट करेंगे और उस एलिमेंट ऑर्बिट्री एलिमेंट को चेक करेंगे कि आया वो पॉइंट लिमिट पॉइंट होता है। और जो इंटरनल पॉइंट आप सेलेक्ट करेंगे वो इंटरनल पॉइंट सारे इंटरनल पॉइंट्स की रिप्रेजेंटेशन करेगा। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं कोई एक पॉइंट यहाँ से सेलेक्ट करती हूँ, वो एक्स है, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब ये पॉइंट आपने यहाँ से सेलेक्ट किया, अब इसके ऊपर वो डेफिनेशन लिमिट पॉइंट की पूरी कराएं। डेफिनेशन क्या थी, इस पॉइंट को सेंटर मानना है और सेंटर मान के आपने इसके ऊपर जो है वो इस एक कुछ ओपन बॉल बनाना है। ओपन बॉल या ओपन स्फीयर का मतलब यहाँ पे ओपन इंटरवल होता है। तो यानी कि इसको सेंटर मान के आपने मुख्तलिफ रेडियस के या ऑल पॉसिबल रेडियस के आपने ओपन स्फीयर्स बनाने हैं। ठीक है, अब सारे जितने भी, अब आप यहाँ पे कंसिडर करें, इस चीज़ को जहन में रखें। देखें, इसको सेंटर मान के मैं एक ओपन बॉल बनाती हूँ, यानी कि ओपन इंटरवल बनाती हूँ। ठीक है, एक छोटे रेडियस का मैंने ओपन बॉल बनाया। ठीक, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये छोटे रेडियस का ओपन इंटरवल बनाया मैंने, इसे ओपन बॉल कहते हैं। इसी तरह से बड़े रेडियसेस भी आ सकते हैं, आप ऑल पॉसिबल जितने बड़े, एक बड़ा रेडियस आप मिसाल के तौर पे ये आपने ले लिया जिसका सेंटर एक्स पे है और रेडियस देखे मैंने बड़ा कर लिया, और बड़ा रेडियस कर लें ऐसे। फॉर एग्जांपल ये सेंटर एक्स पे है और ये बड़ा आपने इंटरवल बना लिया बड़े रेडियस का। ठीक है, तो आपको मैंने डिफरेंट ले के दिखाएं, एक ये जिसके ऊपर एरो डाला है नंबर 1। ठीक है, ये जो है नंबर 2 और ये जो है ये नंबर 3 है। ठीक है, ये आपके पास नंबर 1, ये नंबर 1, ये नंबर 2 रेडियस का और ये नंबर 3 रेडियस का इंटरवल मैंने बनाया, ओपन इंटरवल। अभी देखिए ऑल पॉसिबल आप कर सकते हैं, मैं एक मिसाल देने के लिए आपको बता रही हूँ कि देखिए आप छोटे रेडियस के जब आप फॉर एग्जांपल कोई भी इंटरवल लेते हैं आप, तो उस इंटरवल का आप देखें जब इंटरसेक्शन लेंगी आप ए के साथ, तो आप बड़े आसानी से देख सकते हैं कि इंटरसेक्शन का ये जो पोर्शन है, ये जो बॉल का ये पोर्शन है,
ये पोर्शन जो है वो ए के अंदर ही है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है बॉल का या ओपन इंटरवल का, ये जो पोर्शन मैं शेड कर रही हूँ, ये आपके ए के अंदर ही आता है। आपका ए जो है वो ये है, ये आपका ए सेट है, तो ए सेट के अंदर ही आता है। जब आप इस इंटरवल का इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगी तो डेफिनेटली उस इंटरसेक्शन में एक्स भी आएगा। आप इस एक्स को इग्नोर भी कर देंगी तो आपका ये जो शेडेड पोर्शन है इस एक्स के राइट और लेफ्ट पे, ये शेडेड पोर्शन जो है ये आपका ए के साथ इंटरसेक्शन में आएगा। ए के साथ जब आप इस इंटरवल का, ये जो सबसे पहला इंटरवल नंबर वन है, इस इंटरवल नंबर वन का जब आप इंटरसेक्शन लेती हैं ए के साथ, ये मैं आपको इस तरह से इंटरवल नंबर वन जो है ये देखें, इंटरवल वन, इंटरवल नंबर वन को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसका सेंटर एक्स पे है और इसका रेडियस जो है, फॉर एग्जांपल आप आर ले लें, सपोज करें ये आपका रेडियस आर है, तो इसका जब आप इंटरसेक्शन ए के साथ लेती हैं, उस इंटरसेक्शन में से आप एक्स को माइनस भी कर देंगी तो भी आपके पास नॉन एम्प्टी आंसर आएगा, बिकॉज ये शेडेड पोर्शन और ये शेडेड पोर्शन, ये जो दोनों शेडेड पोर्शंस हैं ये आपके इस इंटरवल के यानी कि इस ओपन स्फीयर के और आपके ए के मैच करते हैं, तो इंटरसेक्शन में ये आंसर आएगा। यहाँ मैं लिख देती हूँ शेडेड पोर्शन ऑफ इंटरवल वन, ठीक है जी। इंटरवल वन का जो शेडेड पोर्शन वो आंसर में आएगा, दैट इज़ नॉन एम्प्टी, ओके। अच्छा, इसी तरह से आप रेडियस बड़ा कर दें, फॉर एग्जांपल ये नंबर टू जो इंटरवल है, ठीक है, बड़े की मिसाल में इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अगर आप ये जहन में ये ना रखें, क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन में ये था कि ऑल पॉसिबल रेडियसेस, तमाम पॉसिबल रेडियस होने चाहिए, तो बड़ा रेडियस जब आप ए से भी बाहर ले जाती हैं फॉर एग्जांपल, तो आप ये देखेंगे तो बहुत ही क्लियरली इसके अंदर आप ये देखें, यहाँ से शुरू करें यहाँ तक और यहाँ से शुरू करें यहाँ तक, ये सारे पोर्शन में जो पोर्शन ये देखें, ये वाला पोर्शन और ये वाला, ये सारा पोर्शन जो है वो एक्स के साथ ए के साथ कॉमन जाएगा, इस बाहर वाले ओपन इंटरवल का सारा पोर्शन ए के साथ कॉमन जाएगा। बीच में से आप एक्स माइनस भी करते हैं तो भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा नॉन एम्प्टी आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से तीसरा आपके पास बड़ा, और जितना बड़ा आप करते जाएंगे रेडियस को इंटरवल के, उतना ही आपका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। लेकिन छोटे रेडियस को के ऊपर हम, चूँकि इससे पहले भी हम छोटे रेडियस पे ज़्यादा फोकस करते रहे, यहाँ पे बड़ा रेडियस तो ओके हो जाएगा, लेकिन छोटे रेडियस को भी हमने सबसे पहले इसीलिए चेक किया कि आज छोटा रेडियस जो है वो आपके इंटरवल का कहीं वो प्रॉब्लम तो नहीं करता, तो वो छोटा रेडियस जो है वो चूंकि आपका एलिमेंट आपके सेट के अंदर से ही है, तो ये देखें फॉर एग्जांपल जब इस तरह का सीन होता है ना, जैसे मैंने आपको कहा था कि आप ये आपकी मैट्रिक्स स्पेस होती है, इसके अंदर से ये ए सेट लेते हैं आप, तो जब आप कोई एलिमेंट ए के अंदर से सेलेक्ट करते हैं ना, तो उस एलिमेंट के राउंड अबाउट जब आप एक ओपन स्फीयर बनाते हैं, ये जैसे आप ओपन स्फीयर बनाएंगे, तो वो ओपन स्फीयर उसका रेडियस कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, उसका रेडियस चाहे ए से बाहर क्यों ना निकल जाए, उसका कुछ ना कुछ पोर्शन जो है, जो कि उसका सेंटर एक्स पे होता है, तो उसका कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो ए के साथ कॉमन लाजमी आता है, अगर आपका एलिमेंट उसी सेट के अंदर है जिसको आप लिमिट पॉइंट के तौर पे चेक कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका एलिमेंट बाहर निकल जाता है, फॉर एग्जांपल वो एलिमेंट जो कि बाहर के हैं उनको आप लिमिट पॉइंट के तौर पे चेक कर रहे हैं, तो फिर उनके रेडियस के ऊपर बहुत ज़्यादा, छोटा रेडियस जो है वो डेफिनेटली एम्प्टी आंसर देगा, बड़ा रेडियस ओके हो जाएगा। तो इंटरनल जो पॉइंट पड़ा हुआ है, आपने देखा इस आपके इंटरवल के अंदर जो पॉइंट पड़ा हुआ है उसका आप चाहे रेडियस छोटा कर लें चाहे आप रेडियस बड़ा कर लें, हर केस में आपके पास नॉन एम्प्टी आंसर आ रहा है, ठीक है जी। रेडियस टू जो है सेकंड वाला इंटरवल, इंटरवल नंबर टू एंड इंटरवल नंबर थ्री, ये तीनों, और फिर इससे जितने मर्ज़ी आप बड़े करते जाएं अपने इंटरवल्स को, रेडियसेस कितने बड़े करते जाएं, आपके पास हर हाल में आपका जो आंसर है वो नॉन एम्प्टी ही आएगा। क्योंकि आपके इसकी एक वजह ये भी होती है क्योंकि आपका जो इंटरवल होता है, देखिए रियल नंबर्स में दो तरह के सबसेट्स होते हैं, एक सबसेट वो होता है जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल जो हमने पिछले एग्जांपल में डिस्कस किया था, ए सेट था वन बाय टू वन बाय थ्री, इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं वो, इस तरह के जो सेट्स होते हैं वो सेट्स आपके उनके एलिमेंट्स के दरमियान गैप होते हैं, ठीक है। लेकिन जो इंटरवल्स होते हैं, इंटरवल्स ऐसे सेट्स होते हैं
जिनके एलिमेंट्स के दरमियान गैप नहीं होते, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, ईच एंड एवरीथिंग बिटवीन जीरो एंड वन इज़ कवर्ड बाय द सेट ए। सो ये जो है इसमें हमेशा याद रखिएगा कि इंटरवल्स के जो इंटरनल पॉइंट्स होते हैं, ये मैंने एक ऑर्बिटरी सा पॉइंट एक्स लिया था, तो जितने भी इंटरनल पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे उसके लिमिट पॉइंट्स होंगे, वो हमेशा नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन देंगे फॉर ऑल द ओपन रेडियसेस, फॉर ऑल द रेडियसेस, ठीक है, फॉर ऑल द ओपन बॉल्स एंड फॉर ऑल द रेडियसेस। तो ये तो हो गई बात, इसका मतलब ये हुआ कि ज़ीरो से वन के दरमियान जितने भी एलिमेंट्स हैं ये इसके लिमिट पॉइंट्स हैं। और सेकंड केस ये है कि सेट के बाहर के एलिमेंट्स को भी तो चेक करना होता है उसके लिमिट पॉइंट के तौर पे। अब सेट के बाहर के एलिमेंट्स में सबसे पहले इधर से ज़ीरो आता है और इधर से वन आता है, और फिर थर्ड नंबर पर ये बाहर के सारे ये वाले पोर्शन, मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है जी, ये आपका ज़ीरो पड़ा हुआ है, ये आपका वन पड़ा हुआ है, आपका ज़ीरो से वन, ठीक है, और ये देखें अब आपने ज़ीरो को चेक करना है एज ए लिमिट पॉइंट और आपने वन को चेक करना है एज ए लिमिट पॉइंट, और इसके अलावा आपने ज़ीरो और वन के इस पोर्शन को भी चेक करना है, इस पोर्शन में लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करने हैं और इस पोर्शन में लिमिट पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। अब ये जो पोर्शन दोनों मैंने शेड किए हैं वन के राइट साइड पे और ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे, इनके बारे में मैं आपको पहले ही बता दूँ कि इसमें हर पॉइंट, इसमें आप फॉर एग्जांपल ज़ीरो से जब आप लेफ्ट पे आती हैं, यहाँ से कोई भी पॉइंट आप सेलेक्ट करती हैं उसके अराउंड अबाउट हर रेडियस आपका ओके नहीं देता, मतलब हर रेडियस आपका नॉन एम्प्टी आंसर नहीं देता। अब आप मिसाल के तौर पर यहाँ से एक पॉइंट सेलेक्ट करती हैं, उसके अबाउट एक छोटा सा ये आपने ओपन इंटरवल बना लिया, ये ओपन इंटरवल तो ए के साथ डेफिनेटली आपका सेट ए ये है, सेट ए के साथ आपका एम्प्टी इंटरसेक्शन देगा, तो इस रेडियस के लिए ये पॉइंट, ये जो भी पॉइंट है फॉर एग्जांपल ये इस पॉइंट का नाम हम वाई रख लेते हैं, तो ये जो भी पॉइंट है ये ए का लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। तो इस तरह के जितने भी लेफ्ट पे पड़े हुए जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे छोटे रेडियस, किसी एक छोटे रेडियस की वजह से जो है अपने आप को लिमिट पॉइंट बनने से रोक देंगे, और वो कोई भी इनमें से लेफ्ट पे पड़ा हुआ पॉइंट ए का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। यही हकीकत एप्लीकेबल है आपके वन के राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे पड़े हुए कोई भी पॉइंट छोटा सा उसके अबाउट एक रेडियस बनाए वो रेडियस फेल हो जाएगा, ठीक है, नॉन एम्प्टी आंसर देने पे फेल हो जाएगा। सो आपके राइट और लेफ्ट पे एक ही जैसा फैक्ट जो है वो एप्लीकेबल है। अब आते हैं ज़ीरो की तरफ और आते हैं वन की तरफ, इसके लिए मैं दोबारा से पिक्चर बनाती हूँ ताकि एक ही पिक्चर में बहुत ज़्यादा गंद ना बच जाए। ये आपका ज़ीरो है, ये आपका वन है, ये मैंने ए दोबारा से ड्रॉ कर दिया, माइनस इन्फिनिटी ए प्लस इन्फिनिटी, ये है आपका जी ए। अब आप ये देखें ज़ीरो को चेक करें, क्या ज़ीरो ए का लिमिट पॉइंट है, ज़ीरो को सेंटर माने और ज़ीरो को सेंटर मान के एक छोटे से रेडियस का आप बड़े रेडियस का करेंगे वो तो ओके हो जाएगा, लेकिन छोटे से रेडियस का आप एक ओपन इंटरवल बनाएं, ये देखें ये छोटे से रेडियस का आपने एक ओपन इंटरवल बनाया। अभी जितना मैं छोटा दिखा सकती थी आपको मैंने उतना छोटा दिखाया है जितनी आपकी इस वीडियो में नज़र आ सकता है। फॉर एग्जांपल ये सबसे छोटा रेडियस है जो कि ज़ीरो को सेंटर मान के मैंने एक इंटरवल बनाया। अभी आप ये देखें ये रेडियस, ये इंटरवल ज़ीरो के लेफ्ट पे जो इसका पोर्शन है ये ए से बाहर जा रहा है, अब ज़ीरो के राइट पे जो इसका पोर्शन है वो ए के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इस इंटरवल का जब आपने, ये इंटरवल जो आपने बनाया है ज़ीरो को सेंटर मान के, इसका जब आप इंटरसेक्शन लेंगी ए के साथ, ठीक है, तो आपने जब इंटरसेक्शन लिया ए के साथ उसमें से आपने ज़ीरो को माइनस कर दिया, ज़ीरो को माइनस करने के बाद भी ये वाला जो शेडेड पोर्शन है, ये मैं आपको बता दूँ ये शेडेड पोर्शन जो ज़ीरो से राइट की तरफ है ये शेडेड पोर्शन आपका आंसर आएगा, शेडेड पोर्शन ऑन द राइट ऑफ ज़ीरो, ये आपका आंसर है एंड दैट गिव्स द नॉन एम्प्टी आंसर। इसकी वजह से हमारा आंसर जो है वो नॉन एम्प्टी होता है। सेम फैक्ट एप्लीकेबल है आपके वन के साथ, वन के ऊपर भी यही काम करेंगे, सबसे छोटे रेडियस का भी आप ओपन बॉल बनाएंगी, यही सारी टेक्निक आप एप्लीकेबल करेंगी, तो आपका जो पोर्शन अंदर आएगा वो नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन देगा, दैट्स वाई वन भी ए का लिमिट पॉइंट होगा। सो ए के लिमिट पॉइंट्स कौन कौन से हुए, अब इसको कंबाइन कर लेते हैं अपने सारे रिजल्ट्स को। आपने देखा था ए के अंदर के सारे पॉइंट्स
ये 0 से 1 के दरमियान जितने भी पॉइंट्स थे एक एलिमेंट पॉइंट थे, इसके अलावा 0 भी एक एलिमेंट पॉइंट हो गया और 1 भी एक एलिमेंट पॉइंट हो गया। ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस सारे रिजल्ट को इकट्ठा करूँ तो इकट्ठा कैसे किया जा सकता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिराइव्ड सेट। यानी कि मैं यहाँ पे क्या कर रही थी, मैं यहाँ पे डिराइव्ड सेट फाइंड कर रही थी और डिराइव्ड सेट को इस तरह से लिखा जाता है, ए का डिराइव्ड सेट ऐसे होता है द कलेक्शन ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स। इसमें 0 भी आता है, इसमें 1 भी आता है और 0 और 1 के दरमियान सब कुछ आता है। इसका मतलब है एक इनिशियली आपके पास सेट ओपन्स इंटरवल था, लेकिन जब आपका उसका डिराइव सेट बनाती हैं तो वो एक क्लोज इंटरवल आता है। यानी कि हमेशा याद रखिएगा कि एक इंटरवल के बाउंड्री पॉइंट्स उसके हमेशा लिमिट पॉइंट्स होते हैं, इंटरनल पॉइंट्स तो लिमिट पॉइंट्स होते हैं, बाउंड्री पॉइंट्स भी उसके लिमिट पॉइंट्स होते हैं। सो किसी भी सेट का जो लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन है वो एक क्लोज्ड आपके पास इंटरवल आया, और सिंस हम ये पढ़ चुके हैं क्लोज इंटरवल क्लोज सेट्स होते हैं, तो जो लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन होता है डिराइव सेट वो हमेशा क्लोज होता है। एक छोटा सा मैं आपको, ये भी एक थ्योरम ही है, थ्योरम का रिजल्ट ही है। खैर बहरहाल, तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, यहाँ हमने सीखा तरीका कि किस तरह से यूजुअल मेट्रिक ऑन आर के ऊपर अगर हमें कोई इंटरवल दे दिया जाए तो इंटरवल चाहे आपके पास ओपन हो चाहे आपके पास क्लोज हो, क्लोज के ऊपर भी यही काम करेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सेट क्लोज हो तो क्लोज इंटरवल में अपने ही उसके सारे एलिमेंट्स जो हैं उसमें 0 भी शामिल होगा, 1 भी शामिल होगा, तो उसका जो डिराइव सेट है वो ए के बराबर ही होगा। इस वक्त ए का डिराइव सेट ए के बराबर नहीं है ये, लेकिन जब क्लोज इंटरवल होगा तो ए का डिराइव सेट ए के बराबर हो जाएगा। यही काम आप ओपन क्लोज इंटरवल्स के साथ कर सकती हैं, सेम टेक्निक के साथ और क्लोज ओपन इंटरवल्स के साथ भी कर सकती हैं। ये मैं आपको बता दूँ, आपके पास ए चाहे क्लोज ओपन हो, चाहे ओपन क्लोज हो, चाहे ओपन हो, चाहे क्लोज हो, इन चारों केसेस में ए का डिराइव सेट का आंसर यही निकलेगा, क्लोज सेट 0 से 1। ठीक है जी, ये आप फिर किसी भी जनरल आपके पास ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल हो तो आप उसके ऊपर ये रिजल्ट अप्लाई कर सकती हैं, ये तरीके का। खैर आज इसकी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आप इस वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने कमेंट्स प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। ओके जी, थैंक यू।